हेडफोन ईयरफोन स्कूटी में लेके आते हैं डेली, रोड साइड लगाने में क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपको? जैसे 100-150 इस टाइप के आते हैं। 100-150 का आता है। 17,000 से स्टार्ट किया था मैं। 17,000 से सबसे पहले जब बारहवीं पास हुआ ना, हाँ, तो मुझे लगा कि कहीं जॉब करना चाहिए करके, तो फिर ना सीधा जाके मोबाइल शॉप में पूछा। ये दोस्तों प्रभात भाई, ये आपको एक छोटा सा रिस्पेक्ट है, एक क्लैप हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह, नेटवर्क ऑफ इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। गाइज, मैं बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं आप लोग के लिए, मोटिवेशन इंस्पायरिंग वीडियोस लाते रहता हूं, ताकि आप भी कोई बिज़नेस कर सकते हैं, रोड साइड या कोई भी दुकान में भी आप डाल सकते हो बिज़नेस। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोड साइड ही करना है, बट मैं आप लोग के लिए इसलिए लेके आता हूं ये सब वीडियो, आपको कुछ आइडिया मिले, आप कम पैसे में भी कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। तो मेरा वीडियो डेली आता है और कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हैं और आगे बढ़ने का बहुत सारे आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आप इस वीडियो को देख के आप आगे बढ़िए। मेरे साथ है मिस्टर प्रभात, जो कि देख सकते हैं कि एक मोबाइल का पूरा एसेसरीज का काम करते हैं रोड साइड, ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं। मैं बहुत टाइम से इनको देख रहा हूँ, 4-5 महीने से तो मैं ही देख रहा हूँ इनको रोड साइड करते हुए। जब गर्मियों के टाइम में मैं इस रोड से आते जाते रहता था तो देखते रहता था। प्रभात जो कि 24 साल के हैं, BA सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं वो, और चलिए आइए उनसे हम जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। ये प्रभात, ये आप कब से कर रहे हो? मैंने अपना स्टार्ट किया हुआ करीबन ना 2 साल हो गए अभी। 2 साल से? मतलब रोड साइड आप 2 साल से लगा रहे हो? हाँ। इससे पहले क्या करते थे? मोबाइल शॉप में करता था। मोबाइल शॉप में जॉब करते थे? हाँ। अच्छा, मोबाइल शॉप में करते करते फिर आपको आइडिया कहाँ से आया कि मेरे को अब नई रोड साइड लगाना चाहिए? मैं जहाँ काम करता था ना, वहाँ एक भैया थे, हाँ, शॉप ऑनर, हाँ, वो लोग ना अपने थ्रू पहले रोड में लगाए। अच्छा। फिर उसके बाद ना मुझे लगा कि अब मुझे अभी खुद स्टार्ट करना चाहिए, अब रोड में तो आ गया हूँ तो छोटा से स्टार्ट कर ही सकता हूँ करके। अच्छा, तो रोड से स्टार्ट कर दिया मैं। अच्छा, तो ये बताइए पहले कितना सैलरी मिलता था जब आप वहाँ पे काम करते थे? वही 7,000। 7,000 बस मिलता था? और आपने सिर्फ मोबाइल दुकान में क्यों, और भी कहीं काम किया है? नहीं, मैं पहले ना सबसे पहले जब बारहवीं पास हुआ ना, हाँ, तो मुझे लगा कि कहीं जॉब करना चाहिए करके, तो फिर ना सीधा जाके मोबाइल शॉप में पूछा, हमारे घर के पास ही था तो फिर उसके बाद ना वो बताए ना सीधा रख लिए वो, तो फिर वो सिखाए सब कुछ ये, तो उसके बाद ना मैं अपना स्टार्ट कर लिया। तो मतलब ये सीखने के बाद आपने ये चालू किया? हाँ, करीब 3 साल से काम किया हूँ ना मोबाइल शॉप में सेलिंग कर। अच्छा, 3 साल की हो काम, तो जॉब क्यों किए? फैमिली का प्रॉब्लम था क्या इसीलिए? नहीं, मुझे शौक ज़्यादा था कि जॉब की सीखने का, बिजनेस सीखने का ज़्यादा ही शौक था ना। अच्छा, तो आप रोड के किनारे कितने पैसे से स्टार्ट किए फिर उसके बाद? 17,000 से स्टार्ट किया था मैं। 17,000 से? तो ये कितने के लिए? ये वो 750 पूरा। ये 750 का है पूरा? ये नहीं, सिर्फ छाता, फिर उसके टेबल ना 1,000-1,200। हाँ, ये टेबल भी तो डेली स्कूटी में लेके आते हो? ओके, तो देख सकते हैं गाइज, ये इस स्कूटी में लेके आते हैं डेली, और ये पूरा इन्होंने करीबन 1,100-1,500 तक का लिया है। क्या चीज़? कितने का लिया है पूरा? ये सेट तो बहुत हो गया भैया, कि ना सिर्फ छाता और रोप मिलाकर ही ना वही 2,000 के हो गए। तो 2,000 के करीब है। तो इसको कैसे लेके आते हो यार? इसको वो ये तो फोल्ड होता है। अच्छा, खुल जाता है? ओपन। अच्छा, खुल जाता है। ये प्लास्टिक का है ना? हेडफोन ईयरफोन ये सब रखते हैं, ब्लूटूथ रखते हैं, और ये पूरा एसेसरीज रखते हैं। तो आपने 17,000 रुपये लगाया? हाँ, स्टार्टिंग सर, स्टार्टिंग 17,000 से। हाँ। तो उसके बाद आपकी फैमिली में कोई नहीं बोला कि यार रोड साइड तुम क्यों लगा रहे हो ऐसा करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी इच्छा से ना जो भी करना चाहो बोलते। अच्छा, तो आप पढ़े लिखे हो, अभी पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको शर्म टाइप का फील होता है क्या, मतलब कि मैं यार मतलब रोड किनारे लगाता हूँ ऐसा कुछ? नहीं, ये अपने काम में कहा किस बात की शर्म होती है? तो शर्म टाइप का कोई फीलिंग नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? तो आपने 17,000 से स्टार्ट किया, फिर अभी 2 साल से आप जब से काम कर रहे हो, पर डे सेलिंग कितना हो जाता है, सेल कितना हो जाता है? अब वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ। कस्टमर आने के ऊपर जितना भी हो जाए, तो भी मिनिमम कितना सेल हो जाता है? अब ऐसे तो नहीं बता सकते भैया कि कितना हो जाएगा करके। कितना मतलब? तो भी एक होता है 1,000 हो जाता है, 1,500 हो जाता है। वो पहले थे जब नया स्टार्ट किया था ना, तब अच्छे थे सेलिंग। अभी सेलिंग डाउन हो गए ना, तो उतना खास नहीं है। मिनिमम एवरेज कितना सेल हो जाता है? वही 500 रुपये मान लो।
500 प्रॉफिट हो जाता है, आप ऐसे कहते प्रॉफिट हो जाता है 500। ओके, तो लगभग आपका 1,000 से 1,500 तक का सेलिंग हो जाता होगा, तभी आप इतना कमा लेते हो। कितने घंटे काम करते हो आप? मैं वही 11-12 बजे आता हूँ और 6 बजे चले जाता हूँ। अच्छा, तो 11-12 बजे आप आते हो और 6 बजे चल जाते हो। अभी कैसा लग रहा है ये बिजनेस जब से स्टार्ट किया हो, आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक है, मेरे लिए तो बहुत है, बहुत है। अभी तो आ रहे हैं तो स्टार्टिंग है भैया, अभी तो शॉप भी खोलना है ना मुझे। हाँ, तो और भी कुछ करना है। अभी कितने कितने का बेचते हो, ये कितने कितने का है? सबके अलग अलग प्राइजेस है, बताइए। जैसे 150 ऐसे बताइए तो कितने कितने का है? जैसे नॉर्मल नर सभी कवर्स 50 रुपये बेचता हूँ मैं। अच्छा। फिर उससे बाद ना थोड़ा हैवी कवर्स भी हैं। हैवी वाला कितने का है? जैसे 100-150 इस टाइप के आते हैं। ये 100-150 का आता है? हाँ। अच्छा अच्छा, और फिर एसेसरीज है 50, 100, 150, 200। अच्छा अच्छा अच्छा, रोड साइड लगाने में क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपको, किस टाइप के प्रॉब्लम आप फेस करते हो? बस ना मेन बात तो मेरे काम में ना धूल मिट्टी वाले काम में अच्छे से नहीं चल रहे। हाँ, तो धूल मिट्टी कारण ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा। और प्लस ना थोड़ा नगर निगम की प्रॉब्लम्स आती हैं, हटा देते हैं तो उठाना पड़ जाता है, निगम का भी प्रॉब्लम आते रहता है। हाँ, बट एनीवे आप ये काम अच्छा कर रहे हो, आप कहीं घूम फिर नहीं रहे हो, आप ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हो, और उस हिसाब से आप अच्छा कर रहे हो इसे। नहीं, मैं दोनों लाइफ जी लेता हूँ ऐसे ना, पार्ट टाइम ये भी कर लेता हूँ, फिर घूमना फिरना तो कर लेते हो, कोई उसमें कोई बोली जानते हो, टाइम तो निकल ही जाता है ना, इससे अच्छा कर ही लो, के लिए टाइम निकालना पड़ता है। फैमिली कैसे है, फैमिली को आप सपोर्ट करते हो? जी क्यों नहीं करेंगे, पैसे से सपोर्ट करते हो? तो ये जो भी आप कमाते हो फैमिली को देते हो? हाँ। अच्छा, तो प्रभात अगर ये कोई बिजनेस करना चाहता है तो कितने से स्टार्ट करना होगा उसको, कितने पैसे से स्टार्ट कर सकता है? मिनिमम आप 10,000 लगा के स्टार्ट कर सकते हो भैया। 10,000 प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 50% है प्रॉफिट मार्जिन जी, 50% है, 50% मिलेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है ग्लास लगाने में ज़्यादा प्रॉफिट होता है आप लोग को? ग्लास के ऊपर होते हैं, मगर वही अगर अच्छा से लगा तो। हाँ। अगर ना अच्छा से लगाने आया तब। हाँ, तो सीखने में कितना दिन लग जाता है, मतलब ग्लास व्लास लगाना जैसे अगर सीखना है? वो तो अलग अलग इंसान के अलग अलग डिपेंड करता है, तो भी 1 महीने में सीख जाते हैं सब चीज़? हाँ, सीखने के तो आराम से सीख जाएंगे, क्यों नहीं सीख जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइज, प्रभात जो कि हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो प्रभात बहुत टाइम से 2 साल से लगाते हैं और ये 24 साल के अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं। और अगर ये देख रहे हैं कोई बिज़नेस ये करना चाहता है, 10,000 से ये बिज़नेस चालू कर सकता है। और ये क्या लोकल में आप लेते हो कि बाहर से? लोकल से ही, लोकल से ही लेते हो? सिटी में। अच्छा, सिटी से ही आप। अगर कैपिटल किसी भी कैपिटल से देख रहे हैं और आप चाहते हो कि अपने कैपिटल में काम करना, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को, है ना? और कोई बिज़नेस आपने ट्राई नहीं किया? नहीं नहीं किया। नहीं, मुझे शुरू से यही अच्छा लगता था ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ज़्यादा पसंद थी मुझे। हाँ, पैरिंग वैरिंग सब थी। हाँ, तो फिर मैं ही स्टार्ट किया। तो मोबाइल बनाना भी सीखे हो क्या? नहीं, मैं शॉप में उसी के उद्देश्य से गया था। अच्छा, सीखना है मुझे रिपेयरिंग करके। हाँ, बट मुझे ना वहाँ पर बंद कर दिए थे। हाँ, तो फिर चलो अगला प्रोग्राम करके मैं सेलिंग ही सीखाऊँ बस। तो प्रभात से हमें बहुत मोटिवेशन मिला है, मैं इनको छोटा सा एक रिस्पेक्ट दूंगा आपके तरफ से और नेवर गिव अप इंडिया के तरफ से, एक छोटा सा रिस्पेक्ट है प्रभात को। ये दोस्तों प्रभात भाई, ये आपको एक छोटा सा रिस्पेक्ट है, एक क्लैप हो जाए। और है ना, और मैं चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़िए, है ना, एक ही रिस्पेक्ट है आपको, क्योंकि आप अभी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो जो दूसरों के लिए एक प्रॉब्लम बन जाए, है ना। आजकल यूथ को, हम लोग को आगे बढ़ने का सोचना है, चाहे सिचुएशन कैसा भी रहे। तो अभी ये बताएंगे कि आपको कैसा लगा, और जो यूथ देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हो क्या आप? मुझे तो आपसे मिलकर और ज़्यादा अच्छा लगा कि आप सभी को मोटिवेट कर रहे हैं। और मतलब जो यूथ देख रहे हैं, अगर क्या होता है ना, कभी कभार हम पढ़ाई कर लेते हैं और पढ़ाई करने के बाद इस टाइप का काम नहीं करना चाहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि जानते हैं भैया पढ़ाई करने के बाद शर्म टाइप की ना फीलिंग आ जाती है कि हम लोग इतना छोटा काम क्यों करें। हाँ, मगर वो सोच बदलना चाहिए ना। हाँ, तो आखिर क्या काम करोगे उसके अलावा? नहीं। हाँ, तो सभी को नौकरी नहीं मिल सकती है। सही बात है, सही बात है। तो प्रभात से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही मैं चाहता हूँ प्रभात और आगे बढ़े। और प्रभात जी, एक्चुअली ये जो मेडल देने का ये उद्देश्य भी है,
कि आप इसको एक मोटिवेशन की तरह लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। और आपको जो भी वीडियो देखेंगे, जो लोग भी देखेंगे, हो सकता है कोई आपसे मोटिवेट हो सके और वो आगे बढ़ने का सोचे, है ना। पढ़ाई के साथ साथ जॉब करना एक अच्छा रास्ता भी है मेरे ख्याल से, तो लोगों को ये करना चाहिए, मेरे को भी ऐसा लगता है। क्योंकि मैं मेरे टाइम में भी मैं बताऊँ तो मैं पढ़ने के साथ साथ मैंने भी बहुत सारे ऐसे काम किया है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और दोस्तों इनसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हमारा वीडियो देखा कीजिए, मेरा वीडियो डेली आता है और कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो सकते हैं मेरे वीडियो देख के। और सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग भी कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप अपने घर का, परिवार का नाम रोशन कर सके और बस आगे बढ़ने का सोचे। आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए। प्रभात जैसे 16,000 रुपये से चालू किए हैं, एक स्कूटी में सब सामान रख कर लाते हैं, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम आप ये फेस करते हैं, वैसे ही आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहाना नहीं चाहिए, बस आपको आगे बढ़ते रहना है। तो गाइज ऐसे ही आप वीडियो देखा कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं। ऐसे ही आप वीडियो देखा कीजिए और जीवन में कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइज, सी यू सून।